सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल किरण के ब्लॉग शो को और बेल आइकन को दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह सुबह मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, इसलिए कि मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पूजा करना था और मुझे फिर आरती के टाइम भी आना है, और आरती में मैं फिर इस तरह से अच्छे से पूजा नहीं कर पाऊँगी, इसलिए कि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और जैसा कि पूजा पाठ का जो मामला होता है वो अगर हम शांति से करें तो अच्छे से हो जाता है। और फिर जैसे कि मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो अभी वो पैर ठीक नहीं हुआ है, तो उसमें भी दर्द होता है। तो अगर भीड़ में किसी का पैर वगैरह लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे मुझे माता रानी को श्रृंगार भी चढ़ाना था, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह जाके पूजा कर लेती हूँ, ताकि मैं अच्छी तरह से पूजा जो है ना बढ़िया से कर लूँ, फिर भीड़ में मैं नहीं कर पाऊँगी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे सारा सामान निकाल रही हूँ पंडित जी को देने के लिए, इसलिए कि हमें खुद से टच नहीं करना है इस बार कोविड की वजह से। तो बस यहाँ पे मैं फ्रेंड्स सूट ही पहन कर आ गई थी जल्दी जल्दी में, इसलिए कि मैं सुबह सुबह आई हूँ। तो यहाँ पे ये श्रृंगार है जिसमें है चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश और आलता, इतना मैंने माँ को चढ़ा दिया है, इसलिए कि माँ के आशीर्वाद से ही हमारा श्रृंगार हमेशा बना रहता है। और फ्रेंड्स देखिए, ये सारे भगवान हैं जो कि इनका अभी गेट खुला नहीं है कोविड की वजह से, नहीं तो ये सारे भगवान को मैं अंदर से अच्छे से दिखाती, इसलिए मैं गेट के बाहर से ही दिखा रही हूँ। इसलिए कि ये जो मंदिर है ये बहुत बड़ा मंदिर है और इसमें करीब करीब सारे भगवान हैं फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पूजा कर ली है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम लोग हैं मंदिर में, और यहाँ पे आदि देखिए वो भी मेरे साथ साथ है, वो भी मेरे साथ ही कहीं भी जाता है पूजा पाठ में, और एक ही बच्चा है तो मैं उसे छोड़ती नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का आठवां दिन यानी कि अष्टमी, और आज है आज मतलब कि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, मैंने भी आज व्रत रखा है। तो मैं जैसे कि सुबह ही गई थी पूजा करने के लिए, इसलिए कि फिर जो है ना आरती के टाइम फिर हम लोग पूजा नहीं कर पाते अच्छी तरह से, इसलिए कि मुझे माता रानी को श्रृंगार भी अर्पित करना था, तो जिसकी वजह से तो मैं उस टाइम जल्दी जल्दी में बस सूट ही पहन कर चली गई थी। उसकी वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे, इसलिए कि मैं डाल दूँगी। और मैं पूजा करके अभी आ गई हूँ और मैं फिर से रेडी हो गई हूँ, तो इस बार मैंने साड़ी पहना है, इसलिए कुछ टाइम इतना टाइम नहीं था कि मैं साड़ी वगैरह पहनती। और अब मैं जा रही हूँ फिर आरती में, जो सुबह की आरती होने वाली है, तो बस अभी मैं फिर से रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने साड़ी पहनी है ये इस कलर की, और इस पर ये देखिए बहुत सुंदर वर्क किया हुआ है, और ये मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी चूड़ियाँ, ये मैंने चूड़ियाँ पहनी है, और आज मैंने कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनी है, ये जो है ना ये सारे मैंने गोल्ड के ही पहन रखे हैं, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं और लाइट भी नहीं, बट मीडियम में ही। और ये देखिए, ये है मेरे कान का, तो ये है फ्रेंड्स। और अभी आपको मैं अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, देखिए। आज का मेरा लुक आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और मतलब कि मैं उतनी हैवी मेकअप नहीं करती हूँ और लाइट भी नहीं, बट मीडियम मीडियम का ही करती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि आज माता का आठवां रूप है, और मैं यही कामना करूँगी अपनी देवी माँ से इस नवरात्रि की, ये जो मुसीबत पूरी दुनिया पे आ रखी है ये बस जल्दी से जल्दी टल जाए, और उनके आशीर्वाद के बिना तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है। तो बस माता रानी हम सभी के जीवन में
बस खुशियाँ लाएँ और बस उनका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना रहे, मैं यही कामना करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ मंदिर की आरती में, वहाँ पे चलिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मंदिर का रूल्स है मास्क पहनना है, तो वहाँ पे बस मैं मास्क में ही रहूँगी, सारे लोग रहते हैं। तो चलिए आपको मैं आज जो है ना अष्टमी की आरती की भी मतलब कि दर्शन करवा देती हूँ घर बैठे ही, और मैं माता रानी का भी दर्शन कराऊंगी। और आज मैंने लगभग पूरे मतलब कि मंदिर का थोड़ा थोड़ा वीडियो कैप्चर किया है, इसलिए कि सारे मंदिर के जो भगवान लोग हैं उसमें बहुत सारे भगवान हैं, तो उनका गेट नहीं खुला था, तो वो मैंने बाहर से ही लिया है ग्रिल से, शायद आप लोगों को दिख जाए। तो बस फ्रेंड्स बस यही है, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर में। ओके बाय बाय, चलिए चलती हूँ। तो यहाँ आरती ख़त्म हो गई है और अब हम अपने घर चलेंगे। बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर क्लिक करने लगी थी। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।